गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, अर्थात आत्मनियमन और आत्मनियंत्रण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव साइको में ये चैप्टर, क्योंकि जब हम पॉजिटिव साइको में बात करते हैं अपने विचारों को सकारात्मक रखने की, अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाने की, तो हम पॉजिटिव होने या पॉजिटिव बिहेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल करें, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन पे कंट्रोल करें और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ रेगुलेट करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस तरीके से। तो सेल्फ रेगुलेशन से पहले, बात करने से पहले, हम सबसे पहले सेल्फ की बात करेंगे कि सेल्फ क्या होता है। सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, या आत्म क्या होता है, तो इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके हाव भाव, आचार विचार, व्यवहार, रहन सहन आदि, इन सब चीज़ों के द्वारा आप उसके बारे में एक अवधारणा बनाते हैं, आप एक आइडिया लगाते हैं कि ये इंसान कैसा होगा। ऐसा ही कुछ आप अपने साथ भी करते हैं, यानी आपको अपने बारे में भी आपकी एक अवधारणा होती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आप में कमियां हैं या लिमिटेशंस हैं। तो ये इन सब बातों के द्वारा आप अपने बारे में एक जो अवधारणा बनाते हैं वो ही आपका आत्म संप्रत्यय कहलाती है या सेल्फ कंसेप्ट कहलाती है। यानी कि आपकी अपनी बारे में एक छवि, आपकी अपने बारे में एक अवधारणा जो है, आपकी अपनी एक इमेज जो है, वो ही बेसिकली आपका सेल्फ कहलाती है। आइज़नेक ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है, किसी के द्वारा अपने व्यवहार, योग्यता और विशेषताओं के बारे में कायम की गई उसकी समस्त अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को संयुक्त रूप से आत्मसंप्रत्यय का नाम दिया जा सकता है। तो आप देखिए, जैसे ये परिभाषा भी बता रही है आइज़नेक की, कि व्यक्ति जब अपने व्यवहार, अपनी योग्यताएं, विशेषताएं, इन सब के बारे में एक सम्मिलित रूप से एक अभिवृत्ति, एक एटीट्यूड रखता है, इन सब के प्रति वो एक वैल्यू रखता है, तो उसे हम सेल्फ़ कंसेप्ट का नाम देते हैं। और इससे आप जान सकते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट का मतलब ही ये है कि आपकी अपने बारे में कितनी अच्छी जानकारी है, आप अपने आप को कितने अच्छे से समझते या जानते हैं कि आप में क्या योग्यताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में किस तरीके का व्यवहार करेंगे, आप खुशी में किस तरीके के होते हैं, विपत्ति या संकट के समय में आप कैसा करते हैं, किस तरीके से आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, आपके साथ कोई बुरा करे तब आप क्या करते हैं, कोई आपके साथ अच्छा करे तब आप क्या करते हैं। तो इन सब तरीके से कहने का मतलब है, आप अपने बारे में जितने अधिक जागरूक या अपने बारे में जितने अधिक अवेयर होंगे, आपको अपनी विशेषताओं, गुणों के बारे में जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना ही आपका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो ये सेल्फ कंसेप्ट की एक अवधारणा है। और आप देख सकते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट ही आपको चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है वो बताता है। आपकी अपने बारे में जो राय है, आपकी अपनी क्षमताओं, योग्यताओं के बारे में जो राय है, वही डिसाइड करेगी कि आप क्या काम के लिए इनिशिएट करोगे, क्या काम करोगे, क्या नहीं करोगे। यदि एक व्यक्ति में क्षमता बहुत है लेकिन उसे अपनी क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो ये काम कर सकता है, तो क्या होगा कि वो किसी काम में इनिशिएट भी नहीं लेगा। आप हमारी जो पुरानी प्रचलित कथाएं हैं, अगर आप रामायण को देखें तो उसमें एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी को ये श्राप था कि वो अपनी क्षमताओं को, जो कि उनमें बहुत बहुत अधिक क्षमताएं थी, उनकी बहुत पोटेंशियल बहुत था, कुछ भी काम करने के वो लिए वो योग्य थे, लेकिन जब उन्होंने सूरज को अपने मुंह में दबा लिया था तो उस समय उनको ये एक श्राप दिया था। किसने दिया पता नहीं, लेकिन ये श्राप था कि जब तक उन्हें कोई उनकी क्षमताओं का ज्ञान या आभास नहीं कराएगा तब तक वो अपनी जो पोटेंशियल है उसको भूल जाएंगे। और ऐसा ही होता है जब उनको लंका जाने के लिए
पूरा बड़ा समुद्र पार करना होता है तो वो खड़े ही रहते हैं, सब सोचते हैं कौन जाएगा। और जामवत को ये पता होता है कि हनुमान जी में ये क्षमता है कि वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं है। और उनकी क्षमताओं का ज्ञान कोई दूसरा व्यक्ति जब दिलाएगा तभी वो ये कर सकते हैं। तो तब जामवत उन्हें उनकी क्षमताओं का आभास कराते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर आप ध्यान दें, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका आत्म संप्रत्यय का जो निर्माण है वो दूसरों के द्वारा कही गई चीज़ों से होता है। यदि बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, अगर उसे ये कहा जाए कि नहीं वो ये काम कर सकता है, वो बहुत अच्छा है, वो गुड बॉय है, तो उसकी भी स्वयं के प्रति ऐसी ही एक धारणा बनेगी। और यदि ये सब कहा जाए कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नकारा हो, नाकाबिल हो, तो ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट बच्चे की खुद के प्रति भी एक नेगेटिव इमेज ही बनाएंगे, नेगेटिव सेल्फ बनाएंगे, जो कि आगे जाके उसे परेशान कर सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आत्म संप्रत्यय बेसिकली व्यक्ति के पूर्व अनुभवों या सीखने के परिणाम स्वरूप अपने प्रति बनाई गई एक धारणा या छवि या मेंटल इमेज है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो स्व का कंसेप्ट है ये किस किस तरीके का होता है। हमने बात कर ली जो सेल्फ है ये बेसिकली बनता बचपन से शुरू हो जाता है, आसपास के लोगों द्वारा, आपके माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार, नाते, फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब जो आपके बारे में कहते हैं, धीरे धीरे आप उन पे विश्वास करने लग जाते हैं और वैसे ही आप अपने बारे में एक अवधारणा बना लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रखा जाए, उसे उसके लिए अच्छा बोला जाए ताकि उसका सेल्फ कंसेप्ट भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बने। और देखा गया है कि जनरली जो सेल्फ है वो दो तरीके का होता है, एक वास्तविक स्व या जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल सेल्फ, और दूसरा होता है आदर्शात्मक स्व या आइडियल सेल्फ। एक रियल सेल्फ होता है जो वास्तविक है और एक आदर्शात्मक है। वास्तविक या रियल जो सेल्फ है वो बेसिकली वो है जो आप अपने बारे में धारणाएं बना के रखे हो, यानी जिसके बारे में आपको पता है कि मुझ में ये अच्छाइयाँ हैं, ये मेरी बुराइयाँ हैं, ये मेरी कमियाँ हैं, और मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। आपको अपने पोटेंशियल, अपने कौशल, अपने व्यवहार, अपने आचार विचार, इनके बारे में जितनी भी नॉलेज है वो सब आपकी रियल सेल्फ है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपका रियल सेल्फ ही आपका आइडियल सेल्फ हो। एक आपका आदर्श स्व होता है, यानी कि आप कैसा बनना चाहते हैं, आप वास्तव में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आज आप जो हैं उससे बढ़कर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वो आपका आदर्शात्मक या आइडियल सेल्फ कहलाता है। तो ये दोनों तरीके का हो सकता है। शारीरिक रूप से यदि कोई एक बच्चा कमज़ोर है तो उसे पता है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, ये उसका वास्तविक या रियल सेल्फ है, लेकिन वो अपने आप को एक अच्छा बॉडी बिल्डर, सलमान खान या ऋतिक रोशन जैसा बनाना चाहता है, तो ये कैसा होगा, ये उसका एक आइडियल सेल्फ होगा। तो देखा गया है कि व्यक्ति के इन दोनों जो सेल्फ हैं इनमें जितना कम डिफरेंस हो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, उतना ही ज़्यादा वो मानसिक रूप से सही रहता है। यदि उसके वास्तविक जो स्व है, आत्म है, उसमें रियल सेल्फ और अगर आइडियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा गैप है तो ये उसमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन जैसी चीज़ें ला सकता है, क्योंकि वो है कमज़ोर और बनना चाहता है वो सलमान खान, लेकिन उस जितनी उसमें क्षमताएं नहीं है, तो नेचुरल है कि धीरे धीरे जब वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा तो वो उसका जो ईगो है, जो उसका सेल्फ है, उसको तोड़ देगा और उसकी वजह से उसे परेशानियां हो सकती है। तो देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ समस्यात्मक लक्ष्य होते हैं। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रभावशीलता पर ये बात निर्भर करती है कि वह समस्याओं या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरीके का समायोजन करता है। तो ये बहुत आवश्यक है। यदि आपका रियल सेल्फ होगा तो आपका, और रियल सेल्फ अगर बहुत क्लियर होगा तो आपके जो आदर्शात्मक सेल्फ है वो भी उसी के आसपास होगा। एक व्यक्ति बच्चा जो अगर हो सकता है कि 10th 12th में ही अच्छे मार्क्स नहीं लाया, पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता, यदि आपने उसको सपने दिखाने शुरू कर दिए कि तुम्हें RS बनना है, IAS बनना है, तुम्हें IITN बनना है, ये करना है, अब उसमें क्षमताएँ नहीं है, वो जानता है, लेकिन यदि उसका आदर्शात्मक सेल्फ वैसा बना दिया गया है, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ सेल्फ की जो मेकिंग है, आपका जो सेल्फ का कंसेप्ट बनता है वो आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों द्वारा बनता है।
बच्चा जब पैदा होता है तब उसका कोई सेल्फ नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि वो क्या है, कैसा है, उसका क्या व्यवहार है, लेकिन आसपास के लोगों द्वारा उसका सेल्फ निर्मित होता है। यदि वो ओरिजिनल सेल्फ होगा तो बच्चे का आदर्शात्मक सेल्फ भी ओरिजिनल के आसपास ही होगा और वो उस पर काम कर सकता है, उस आदर्शात्मक सेल्फ को प्राप्त कर सकता है। और यदि उसका वास्तविक सेल्फ ही कमज़ोर हो और आदर्शात्मक सेल्फ बहुत ऊंचा बना दिया गया हो तो बच्चे में ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आने लग जाती है। तो ये देखा गया है कि बच्चा किस तरीके से, व्यक्ति किस तरीके से अपने रियल और आइडियल सेल्फ में एडजस्टमेंट करता है, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसे पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकती है। तो व्यक्ति यदि समस्याएं और अपने आसपास के वातावरण में समायोजन कर ले, वो एडजस्ट कर ले, तो धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इसी के लिए जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति अपने रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो आत्मनियमन और आत्मनियंत्रण आ जाता है। यदि व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल करके, आत्मनियंत्रण करके और सेल्फ रेगुलेट करके पॉजिटिव चीज़ों के प्रति अपने व्यवहार को रेगुलेट कर ले, तो धीरे धीरे वो अपने आइडियल सेल्फ को भी प्राप्त कर सकता है। इसको आप एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एक बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर बच्चा है, या इसे हम थोड़ा सा उल्टा ले लें कि बहुत ही मोटा और हेल्दी बच्चा है, और वो उसका आइडियल क्या है, उसका रियल सेल्फ है कि वो बहुत मोटा ओवरवेट है, ओबीज है, और उसका आइडियल सेल्फ क्या है, अच्छी स्ट्रांग बॉडी प्राप्त करना, एक बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी प्राप्त करना, ये उसका आइडियल सेल्फ हो सकता है। अब देखिए सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल कैसे काम करता है। यदि बच्चे को अपने आइडियल सेल्फ तक पहुंचना है तो बहुत ज़रूरी होगा कि वो पहले सेल्फ कंट्रोल करे, अर्थात वो अपना खान पान कंट्रोल करे, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जो टाइम देना है उसे निकाले, उसको कंट्रोल करे, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करे। और ये जब खाना पीना कंट्रोल करेगा और साथ ही अपने व्यवहार को नियमित करेगा एक्सरसाइज के तौर पे, तो वो अपने आइडियल सेल्फ तक जा सकता है। लेकिन यदि वो अपने सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेट नहीं करेगा, अपने व्यवहार को नियमित और नियंत्रित नहीं करेगा, तो वो कभी भी अपने आइडियल सेल्फ तक नहीं जा सकता। खाने की कोई चीज़ सामने आई, आइसक्रीम, चॉकलेट, जलेबी, मिर्ची बड़ा, वो उनको खाने में बैठ गया, उसने कंट्रोल नहीं किया। एक्सरसाइज जो रोज़ उसे करनी है उसने उसको नियमित रूप से नहीं किया, यानी सेल्फ रेगुलेशन नहीं किया, वो आज छोड़ दो, कल करूँगा, आज अभी लेट हो गया, आज मेरे पास कपड़े नहीं हैं, आज जूते नहीं हैं, आज पार्क में जान बारिश आ गई, इस तरीके का यदि वो अपने व्यवहार में एक्सक्यूजेस ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा। तो सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल के अभाव में वो कभी भी अपने आइडियल सेल्फ तक नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए ही कहा गया है कि आइडियल सेल्फ तक जाने के लिए बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो इसी बारे में हम ये पूरा चैप्टर में बात करेंगे कि किस तरीके से वो कौन से सिद्धांत या नियम हैं जिनके द्वारा हम व्यवहार को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आइडियल सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।